माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 6। इस क्लास में आप सीखेंगे कमेंट इन एक्सेल के बारे में। व्हाट इज ए कमेंट, कमेंट क्या होता है, हाउ टू यूज कमेंट, कमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हाउ टू एडिट कमेंट, अगर कमेंट में किसी तरह का सुधार करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और फाइनली देखेंगे कि हाउ टू डिलीट ए कमेंट, अगर कमेंट को डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। कमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में, इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कमेंट के द्वारा हम लोग बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन किसी सेल में हाइड करके रख सकते हैं जिसे अगर हम लोग विजिबल करके रखें तो काफी ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया और एक्सेल के आइकन पे क्लिक कर दिया जिससे एक्सेल ओपन हो जाएगा। हमने प्रीवियस में जो फाइल बना रखी थी प्रोजेक्ट वन के नाम से, उसे ही ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट वन पे क्लिक किया और वो फाइल ओपन होके आ गया। सबसे पहले इसका जूम जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, तो जूम आउट पे हम क्लिक करेंगे जिससे ये थोड़ा छोटा हो जाए। अब बात करते हैं कमेंट की। तो कमेंट इस्तेमाल होगा कहाँ, तो जैसे कि यहाँ अमाउंट का एक सेल बना हुआ है और अमाउंट में हमने कैलकुलेट किया था क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट का। हम चाहते हैं कि जब कोई इस सेल पे माउस लाए तो ऑटोमेटिक उसे ये नजर आए कि अमाउंट में किया क्या गया है, जो कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हो जो शो करना हो तो इतना स्पेस हमें नहीं मिलता कि हर जगह पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है उस तरह लिख सके, तो ये इंफॉर्मेशन वहीं पे डाल दी जाती है जिस सेल में वो किया गया हो। तो इसके लिए कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी सेल में आप दो तरीके से कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि उस सेल पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे आपको इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप कमेंट को उस सेल पे इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जिस सेल पे आप चाह रहे हैं कमेंट को इंसर्ट करना उस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप रिव्यू टैब पे क्लिक करें। रिव्यू टैब पे आपको कमेंट का एक पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू कमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करते ही एक छोटा सा येलो कलर का पॉपअप नजर आएगा, यही है कमेंट बॉक्स जिस पे आप अपने इंफॉर्मेशन को टाइप करके छोड़ सकते हैं। और जैसे ही आप सेल से बाहर होंगे तो वह इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगा। जब आप कमेंट को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम नजर आएगा। अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो इसे मिटा दें। मिटाने के बाद जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि अमाउंट में हमने क्या कर रखा है वो पता चले, तो यहाँ हम लोग इसका फॉर्मूला टाइप कर देंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। तो हमने क्वांटिटी लिया, मल्टीप्लाई का साइन लिया और रेट लिख दिया। इसके बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे जिससे कमेंट का जो हमारा काम है एडिटिंग का काम वो कंप्लीट हो जाएगा और कमेंट सेव हो जाएगा। तो किसी दूसरे सेल पे हमने क्लिक किया और ये देखिए कमेंट हाइड हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किस सेल में कमेंट को इंसर्ट किया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हमने अमाउंट वाले सेल में कमेंट को लगाया इधर कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में एक छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है रेड कलर का। ये इंडिकेशन है कि इस सेल में एक कमेंट लगाया गया है। जैसे ही इस सेल पे आप माउस को लाएंगे तो तुरंत ही कमेंट अपेयर हो जाएगा, और जैसे ही आप माउस को सेल से बाहर ले जाएंगे तो वो कमेंट वापस डिसअपियर हो जाएगा। यही है सबसे बड़ी खासियत एक्सेल में कमेंट की। इस तरह से आप किसी भी सेल में कितने भी बड़े इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कमेंट को एडिट करना हो तो कैसे करें। जैसे मान लीजिए इसमें कोई गलती हो गई है, हमें सुधारना है तो कैसे करें। अब अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सेल पे क्लिक हो रहा है, कमेंट पे तो क्लिक हो ही नहीं रहा है क्योंकि जैसे ही सेल से बाहर जाते हैं कमेंट हाइड हो जाता है। तो कमेंट को एडिट करने का तरीका ये है कि जिस सेल के कमेंट को आप एडिट करना चाहते हैं उस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही आपको राइट क्लिक मेन्यू में एडिट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यही चीज आपको रिव्यू वाले टैब में भी एडिट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो एडिट कमेंट पे क्लिक करते ही वापिस वो जो पॉपअप है वो अपेयर हो जाएगा और इसमें आप चाहें तो किसी तरह का भी सुधार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेल है, ये काफी बड़ा सेल यहाँ बना रखा है इसने, ये आप देख सकते हैं काफी बड़ा इसने सेल बना रखा है। हम चाहते हैं कि सेल को छोटा कर दिया जाए तो यहाँ पे ये सहूलियत भी है। तो यहाँ छोटे छोटे आप देख रहे होंगे कि रिसाइज हैंडलर नजर आ रहे हैं, इन पे माउस को ले जाएं, क्लिक करें, होल्ड करें और ऐसा ड्रैग कर दें। इससे ये कमेंट उतना ही स्पेस लेगा जितना उसमें इंफॉर्मेशन टाइप है। साथ ही अगर आप इंफॉर्मेशन को छोटा बड़ा करना चाहते हैं फॉन्ट साइज में तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि देख सकूं, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ
ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट को अगर हम छोटा करना चाहें तो इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं, और अगर बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग छोटा कर देंगे और इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे जिससे ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले, क्योंकि जैसे ही ये अपेयर होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस को ये हाइड कर देता है जो उसके पीछे रहता है। तो कमेंट के साइज को आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और उसमें अगर सुधार करना हो तो राइट क्लिक करके एडिट में जाएं और किसी तरह का सुधार करना हो तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लाइन लगाना चाहता हूँ तो ये मैंने लाइन लगा दिया, और इसके बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे लाइन भी नजर आए, और बाहर क्लिक करते हैं। अब अमाउंट में जैसे हम माउस को ले जाएंगे तो ये देखिए कमेंट अपेयर हो गया, और माउस जैसे हमने हटाया कमेंट डिसअपेयर हो गया। तो कमेंट को इंसर्ट करना और कमेंट को एडिट करना आपने सीख लिया। अब अगर कमेंट को डिलीट करना हो तो कैसे करें, सेम वही तरीका जैसे एडिट वाला हमने लिया था। जिस सेल के कमेंट को आपको डिलीट करना हो उस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पे आपको राइट क्लिक पॉपअप मेन्यू जो है उसमें डिलीट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दें तो वो कमेंट वहां से डिलीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड कलर का कॉर्नर नजर आ रहा था वो नजर नहीं आ रहा है, इट मीन्स इसमें कोई भी अब कमेंट नहीं है। अगर एक सीट में एक से ज़्यादा कमेंट हो तो आप एक साथ उन्हें अपेयर भी कर सकते हैं या एक एक करके पढ़ भी सकते हैं, इसकी भी सहूलियत एक्सेल देता है। तो चलिए इसे देखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि दो तीन सेल पे कमेंट इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट पे हमने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट ले लिया, और यहाँ कुछ भी जैसे 1 2 3 मैंने लिख दिया, बाहर मैंने क्लिक किया, इसमें एक कमेंट सेव हो गया। अब चलिए ऐसा करते हैं कि रेट पे हमने राइट क्लिक किया और इसमें भी एक कमेंट हमने डाल दिया, कोई भी एक नंबर डाल दिया, राइट क्लिक किया। बस समझाने के लिए मैं कुछ कमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। अमाउंट का तो हालांकि हमारे पास फॉर्मूला है तो हम इसमें फॉर्मूला डाल सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट पे हमने क्लिक किया और यहाँ लिख देते हैं कि क्या था, लेकिन उससे पहले ये यूजर नेम है इसे मिटा देते हैं, और यहाँ मैंने लिखा क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, और इसका साइज भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और इसका बॉक्स का साइज ये भी छोटा कर देते हैं। तो इस तरह हमने छोटा कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे तीन तीन कमेंट नजर आ रहे हैं सीट पे। अब अगर सारे कमेंट एक साथ ही आप विजुअल करना चाहते हैं तो उसके लिए रिव्यू टैब पे क्लिक करें, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो ऑल कमेंट्स, इस पे क्लिक करते हैं, जितने भी कमेंट लगाए गए हों इस सीट पे सबके सब विजुअल हो जाएंगे, और वापस अगर इसे क्लिक करते हैं तो सबके सब हाइड हो जाएंगे। यही चीज अगर आप राइट क्लिक से चाहते हैं तो जिस सेल पे आप कमेंट लगा रखें उस पे राइट क्लिक करें और वहां आपको ऑप्शन मिलेगा शो हाइड कमेंट, इस पे क्लिक कर दें तो वो कमेंट वहां पे विजुअल हो जाएगा, और ये फिर गायब नहीं होगा। आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो कमेंट वहां पे बना हुआ रहेगा, जब आपको हाइड करना रहे तो उस पे राइट क्लिक करें और फिर से हाइड कमेंट पे क्लिक कर दें तो वो सेल में जिस सेल पे आपने राइट क्लिक किया है उसका कमेंट हाइड हो जाएगा। अब अगर एक एक करके आप कमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जिसका कमेंट आप पढ़ना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे यानी रिव्यू वाले टैब में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, प्रीवियस और नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट कमेंट अपेयर हो जाएगा, इस तरह देखिए आगे हम बढ़ सकते हैं, और प्रीवियस करते ही हम प्रीवियस कमेंट को पढ़ सकते हैं। मतलब हमें सीट में घूमने की आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो टैब से ही कमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कमेंट को टैब से ही कमेंट को हैंडल कर सकते हैं। यहीं से हम लोग एक एक करके सारे कमेंट को पढ़ सकते हैं, और जिस कमेंट को डिलीट करना हो उस सेल पे जब आप पहुंच जाएं तो डिलीट पे क्लिक कर देने से वो डिलीट भी हो जाएगा। जैसे फिलहाल अभी हमारे पास आगे कोई कमेंट नहीं है जिसने मैसेज दिया कि कंप्लीट हो चुका है कमेंट्स। अब यहाँ हम डिलीट करना चाहते हैं प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया और डिलीट कमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ से तुरंत ही कमेंट डिलीट हो गया। तो इस क्लास में यहीं तक। इस क्लास में आपने देखा कि कमेंट क्या है, किसी सेल में कमेंट कैसे इंसर्ट किया जाता है, अगर कमेंट को एडिट करना हो तो कैसे करें, और कमेंट को डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही आपने देखा कि किस तरह से सभी कमेंट को एक साथ हम लोग विजुअल कर सकते हैं या उसे हाइड कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।